दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में 11 सितंबर 2020 के डेट में रिलीज किए गए 1 से 5 तक के औपबंधिक मेधा सूची का अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं और इस वीडियो में आपको 6 से 8 तक के शिक्षक नियोजन से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आज अपडेट नहीं किया गया है 6 से 8 तक के शिक्षक नियोजन से संबंधित। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है naukrikarlo.com वेबसाइट के 1 से 5 तक के मेरिट लिस्ट वाला पेज और इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली इस पेज पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं बारी बारी से कि किस किस जिला का अपडेट यहाँ पे किया गया है। ओके, सबसे पहले जिला की बात करें तो यह है बेगूसराय जिला। और बेगूसराय जिला में यहाँ पे आइएगा तो देखिए, बीरपुर जो प्रखंड पड़ता है, बीरपुर ब्लॉक के अंडर में यहाँ पे 2 पंचायतों का अपडेट आया हुआ है। सबसे पहला जो पंचायत है बीरपुर वेस्ट है और दूसरा पंचायत जो है जगधर पंचायत है। ओके, तो आप ऐसे जो है इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से और मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं। यहां पे देखिए अगला जो अपडेट है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिला से है और मोतिहारी जिला में जो अपडेट आया हुआ है यहां पे 3 ब्लॉक का अपडेट है। सबसे जो पहला अपडेट है संग्रामपुर ब्लॉक का है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए तिरकौलिया ब्लॉक का है, फिर नीचे में आएगा तो मोतिहारी ब्लॉक का अपडेट यहाँ पे किया गया है। यानी ईस्ट चंपारण से 3 ब्लॉक का अपडेट आया हुआ है 1 से 5 तक के औपबंधिक मेधा सूची का। यहाँ पे अगला जो अपडेट है यह है कटिहार जिला से और कटिहार जिला में आइएगा तो 11 सितंबर के डेट में ये बलरामपुर ब्लॉक के अंडर में कुछ पंचायत पड़ता है उनका अपडेट है, जैसे कि महिसाल पंचायत हो गया, शाहपुर पंचायत हो गया, शरीफगंज हो गया, बलरामपुर हो गया और लोहागढ़ा जो पंचायत है या लोहागढ़ होगा शायद, तो आप इसे देख लीजिएगा। इन सब का अपडेट किया गया है कटिहार जिला से। अगला जो अपडेट है यहाँ पे किशनगंज जिला से है और किशनगंज जिला में नगर परिषद किशनगंज का यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है मेरिट लिस्ट को और ये पीडीएफ रहा, एक ही पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। अगला जो अपडेट है यहाँ पे पूर्णिया जिला से है और पूर्णिया जिला में 11 सितंबर के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पंचायत लेवल के नियोजन इकाइयाँ हैं और एक यहाँ पे ब्लॉक का भी अपडेट आया हुआ है। सबसे पहला जो पंचायत यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिया ईस्ट पंचायत का अपडेट है, फिर यहाँ पे कस्बा पूर्णिया का अपडेट किया गया है और फिर एक ब्लॉक का अपडेट है जिसका नाम है अमौर ब्लॉक। तो अमौर ब्लॉक का यहाँ पे अपडेट किया गया है पूर्णिया जिला से। ओके, बात करें अगले जिला की अपडेट की तो यह है रोहतास जिला और रोहतास जिला में 11 सितंबर के डेट में ये अपडेट किया गया है रिवान पंचायत का, बभनी पंचायत का, अरौरा पंचायत का, फिर यहाँ पे बराव कला पंचायत का, फिर आइएगा यहाँ पे तो बस इतना ही अपडेट है पंचायत लेवल के नियोजन इकाइयों का। बाकी जो है करघर का जो अपडेट है, हाँ करघर का भी अपडेट किया गया है आज के डेट में, तो इसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैं अपने वेबसाइट पर अपडेट कर चुका हूँ। अगला जो अपडेट है ये शिवहर जिला से है और शिवहर जिला में देखिए यहाँ पे आइएगा तो बासुपट्टीपुर नहिया जो पंचायत है उसका अपडेट किया गया है शिवहर जिला से, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगले जिला की तो ये है वैशाली जिला और वैशाली जिला में आज की डेट में अपडेट किया गया है भगवानपुर ब्लॉक के अंदर में असोई लाचीराम जो पंचायत पड़ता है उसका अपडेट है। और बात करें आज के लास्ट जिला के अपडेट के बारे में तो ये है सुपौल जिला और सुपौल जिला के अंदर में बहुत सारे पंचायतों का अपडेट किया गया है। यहाँ पे ब्लॉक वाइज पंचायतों का नेम भी मेंशन है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अपडेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कम से कम 80 पंचायतों का अपडेट यहाँ पे किया गया है, तो आप इसे चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको अपडेट प्रोवाइड करना था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे आज के डेट में तो बहुत कम ही अपडेट आया है, लेकिन जो भी अपडेट आता है पर डे का आपको प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करता हूँ।